क्या हुआ है, स्टडी फर्स्ट लिविंग सेल किसने, अगर ये पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो वो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एमजे स्लाइडेन, मिस मैथियस जैकॉब स्लाइडेन, ये साइंटिस्ट कौन है? देखिए, इन्होंने सेल थ्योरी दिया, आपको पता है सेल थ्योरी मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ये सेल थ्योरी है, हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शन भी जो है वो सेल ही है, और जो नई सेल्स आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आती हैं, ये जो थ्योरी है वो किसने दिया था, एमजे स्लाइडेन, मिस मैथियस जैकॉब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके क्या दिया था, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को उन्होंने प्रिपेयर किया था। ओके, नेक्स्ट रोडोल्फ विर्चो, आपने इनका नाम सुना होगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने ये बताया था, इसको याद रखिएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये वर्ड आप ये समझिए, ये स्लोगन है, इसको याद कर लीजिए, और इसको किसने कहा था, रूडोल्फ विर्चो सेल के लिए बताया था, कि मींस सेल जो है मदर सेल से डॉटर सेल्स डिवाइड होकर सेल डिवीजन होकर के आती रहती हैं, है ना, इस तरह से कंटिन्यूटी बना रहता है। चलिए, फिलिक्स डुजार्डिन, ये जो डुजार्डिन साइंटिस्ट है ना, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, मींस जैसे ये सेल है, आप देखो यहाँ पे, जैसे अभी अभी आप, आपको पता भी होगा, जैसे ये सेल है, इस सेल में जो कुछ भी भरा हुआ है वो है प्रोटोप्लाज्म, क्या है, प्रोटोप्लाज्म, मैं यहां लिख देता हूं, इसके अंदर है प्रोटोप्लाज्म। फिर आपको तो पता है कि प्रोटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आपने सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपने न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, है ना, सो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले जो देखा था वो डुजार्डिन थे, और उसका नाम क्या दिया था उन्होंने, उन्होंने उसका नाम सार्कोड दिया था, क्या नाम दिया था, सार्कोड, ठीक है, सार्कोड जो है प्रोटोप्लाज्म का पहला नाम है, लेकिन सार्कोड को चेंज करके उसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया, किसने, पुरकिंजे। यहां पे देखिए एक और साइंटिस्ट है, मींस जो ये टर्म है, ये जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, इसको किसने बताया, इसको बताया पुरकिंजे ने, ये साइंटिस्ट है, ये देखिए प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, मींस प्रोटोप्लाज्म का पुराना नाम क्या है, सार्कोड। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज हक्सले, है ना, आप बराबर सुनते आ रहे हो, हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा, क्या कहा, मींस जैसे सेल है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा है, अगर ये इसमें है तो ये अलाइव है, अगर यही प्रोटोप्लाज्म सूख गया या खत्म हो गया तो समझो ये सेल क्या हो गया, डेड हो गया, मींस इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हक्सले प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा उन्होंने, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज होंगवान मोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने ये बताया, किसने, होंगवान मोहल, डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, किसका, प्रोटोप्लाज्म का, मींस प्रोटोप्लाज्म है तो अलाइव है सेल और नहीं है तो डेड है सेल, ये इंपॉर्टेंस किसने बताया, होंगवान मोहल। सो शिम्पर, AFWSH शिम्पर, ओके, इन्होंने क्या टर्म प्लास्टिड्स को दिया, यूरोप्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, है ना, केवल ये प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, इसी प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना खुद जो है फूड प्रिपेयर कर पाते हैं स्टार्च फॉर्म में। ओके, सो आप इसको जो है राइट डाउन कीजिए नोटबुक में, माइटोकांड्रिया, सबसे पहले कोलिकर ने क्या किया था, जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े है ना, उनके जो स्टेटेड मसल्स होती हैं ऐच्छिक पेशियां, उनमें जो है माइटोकांड्रिया को उन्होंने देखा था। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टू रिपोर्ट टू माइटोकांड्रिया स्टेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, ये याद रखिएगा, इंसेक्ट्स के मसल्स में उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, माइटोकांड्रिया को देखा था, किसने, कोलिकर, रोडोल्फ कोलिकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अल्टमान, अल्टमान ने जो है डिस्कवर किया था, किसको, माइटोकांड्रिया को, देखो लिखा हुआ डिस्कस माइटोकांड्रिया। अब जब अल्टमान ने माइटोकांड्रिया को डिस्कवर किया था तो उसका नाम उन्होंने बायोप्लास्ट दिया था, मतलब माइटोकांड्रिया का जो पहला नाम था जब अल्टमान ने उसको खोजा था, डिस्कवर किया था, तो उन्होंने उसका नाम बायोप्लास्ट दिया था, लेकिन फिर उसका नाम बदल करके सी बेंडा ने क्या किया, माइटोकांड्रिया रख दिया। तो देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है सी बेंडा, नाम याद रखिएगा, बेंडा मीन सी बेंडा, तो ये टर्म जो है माइटोकांड्रिया किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। तो आपने माइटोकांड्रिया के बारे में देखिए, रुडोल्फ कोलिकर, अल्टमान और सी बेंडा, इतने नाम जान लिए, सब माइटोकांड्रिया से रिलेटिव्स रखते हैं, ओके, रिलेशन रखते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है माइटोकांड्रिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट पोर्टर, मींस के आर पोर्टर, ओके, इन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा, डिस्कवर किया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा, पोर्टर, के आर पोर्टर ने, ओके। नेक्स्ट कैमिलो गल्जी, आप देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी, और आपने एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सिस्टम, है ना, गोल्जी अपरेटस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सब एक ही चीज है। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया है, कैमिलो गोल्जी ने। प्लांट सेल में हम इस सेल ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, याद आया आपको, तो उसकी खोज किसने किया था,
कैमिलो गोल्जी ने किया। ओके नेक्स्ट पैलाडी, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने राइबोसोम्स को खोजा। आपको पता है राइबोसोम्स जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है असल में? राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स जिसमें न्यूक्लियर जिसपे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बनाया गया है स्टडी करने के लिए। ओके उसको किसने खोजा था? पैलाडी ने खोजा था। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन। देखिए रॉबर्ट हुक का नाम आपने सुना, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665, लेकिन एक न्यूक्लियस भी आपने पढ़ा है जो यूकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रल पॉइंट में न्यूक्लियस को आपने पढ़ा है। रॉबर्ट हुक ने 1831 में क्या किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये साइंटिस्ट आपने जितने भी देखे, ये आपने 17 साइंटिस्ट को आपने देखा, इस तरह से हर चैप्टर में आपको साइंटिस्ट मिलेंगे। तो इसके लिए एक अलग से आप एक पतली सी नोटबुक बना ली।